वेलकम आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारी ट्यूटर एजी लर्निंग क्लासेस में। कल देखे थे पार्ट वन के बारे में, वो था आपका प्रमुख आंदोलन घटनाएं कब कब किस डेट को हुई थी, और कुछ पार्ट टू लेके आए हैं जो कुछ बच गए थे उसके बारे में समझेंगे बढ़िया से कब कब घटना हुई थी। ठीक है, एक बार बताएंगे पूरी तरीके से, फिर उसका हम करवा देंगे आपको रिवीजन ताकि आपको एक बार वीडियो देखिएगा एक बार में आपको याद हो जाएगा कब कितना ईस्वी को आंदोलन या घटनाएं हुई थी। आइए, कल हम लास्ट किए थे आपका नमक सत्याग्रह यानी दांडी यात्रा जो हुआ था 1930 ईस्वी में, उसी के आगे को बताएंगे आज स्टार्ट करेंगे। आइए ना ही हम लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो फर्स्ट टाइम वीडियो विजिट कर सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य लाइक करना ना भूल, सब्सक्राइब अवश्य करें और लोगों को शेयर करें। आइए बताते हैं इसके बारे में विस्तार तरीके से। प्रमुख आंदोलन एवं घटनाएं, देखिए आपका सीरीज पार्ट टू है इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स और इवेंट्स, कब कब ये आंदोलन हुआ और घटनाएं हुई थी वो किस डेट को हुआ, उस डेट को आपको याद रखना है। हम बताएंगे आपको एक बार दोबारा करवा देंगे रिवीजन, दोबारा देखिए रिवीजन तो आपको याद आपको एक बार वीडियो देख के ही हो जाएगी। देखिएगा फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। क्या बताएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। कभी कभी आपको पूछ देता है डेट भी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और इन्हें देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये आपका 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। नंबर थर्ड देखते हैं गांधी इरविन समझौता, ये आपका 8 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। क्या, गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 ईस्वी को घटना घटी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ। ध्यान दीजिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, ये कब हुआ, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। आइए नेक्स्ट देखते हैं पूना पैक, ये आपका सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ पूना पैक। नंबर नेक्स्ट तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये आपका 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। ध्यान लीजिए कुल मिला के 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट हुआ 1930 में, सेकेंड हुआ आपका 1931 में, और थर्ड हुआ 1932 में। लगातार सीरीज में है प्रथम सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, देखिए कब हुआ था, 1 मई 1949 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मुक्ति दिवस कब मनाया गया, ये 12 दिसंबर 1949 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, देखिए पाकिस्तान की मांग, देखिए पाकिस्तान का मांग किया गया क्योंकि हम लोग का जो है कि भारत और पाकिस्तान सब गुलाम था अंग्रेज का, ब्रिटिश लोगों का, तो पाकिस्तान में देखिए मांग की गई वो कब, 24 मार्च 1940 ईस्वी को पाकिस्तान का मांग हुई। अगस्त प्रस्ताव, ये देखिए हुआ आपका 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था, मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव लागू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 12 का है भारत छोड़ो प्रस्ताव, या तो कह सकते हैं इसको भारत छोड़ो आंदोलन भी, भारत छोड़ो प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन। ये देखिए कब स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कितना बार आ गया हम नहीं कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, याद कर लीजिए इसको। नहीं देखिए शिमला सम्मेलन, ये 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ आपका शिमला सम्मेलन। देखते नेक्स्ट आपका कैबिनेट मिशन का आगमन, ये आपका कब आया, 24 मार्च 1946 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन भारत का आगमन कब हुआ, 24 मार्च 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं माउंट बेटन योजना,
ये आपका 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना हुआ, उसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई। कब हुई? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, मानी स्वतंत्र हम लोग भारत हो गया। और आपका गणतंत्र दिवस लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस लागू किया गया था। कुल मिला के इतना आपका अधिवेशन, एक बार हम उसको रिविजन करवा देते हैं, आपको याद हो जाएगा। आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ। पूना पैक्ट सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। नेक्स्ट देखते हैं मुक्ति दिवस, ये 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को हुआ। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी को हुआ। अगस्त प्रस्ताव का पाया 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? मार्च 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को। और दो क्या थे? स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुआ? 15 अगस्त 1947। और गणतंत्र दिवस लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ये कुल मिला के आपका इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स थे और इवेंट्स थे। कुल मिला के आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक वीडियो लाइक करने से हमको मोटिवेट मिलता है, ताकि आपको आगे बढ़ने का और भी सांस मिलता है। इसके वीडियो को करने से, लाइक करने से आपको मोटिवेट हो, और आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू। इट्स ओके।